मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कमी हो कहाँ रही है। देखिए आप इसकी शुरुआत देखें, मैं जनरली सभी पहलुओं पे नजर डालना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखें स्कूल्स जो बॉम्बे में है वो ऐसी जगहों पर है जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन हो जाता। अब वो सबसे पहले वो स्कूल वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो जो तालीम बच्चों को दे रहे हैं किस हालात में दे रहे हैं। आप देखिएगा एक रिक्शा के अंदर 10 बच्चे बैठ के स्कूल पहुंचते हैं, एक कार के अंदर 8 बच्चे बैठ के स्कूल पहुंचते हैं, एक बस के अंदर जिसकी कैपेसिटी 12 की है या 15 की है वहां पे 50 बच्चे घुसते हैं अंदर। आप खुद गौर कीजिएगा एक 10x10 के कमरे में मैक्सिमम आदमी कितने रह सकते, मैक्सिमम आप सोचेंगे तो 15, अब उसके अंदर अगर 50 डाल देंगे तो यू विल फाइंड सफोकेशन ऑन दैट। अब हमारा निज़ाम बाद में आता है, पहले हमारा जो अतराफ के लोग हैं जैसे अभी कॉलेजेस हैं स्कूल्स हैं ये रोड सेफ्टी पर बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि तालीम दें, ऐसे मैं समझता हूँ, क्योंकि वहाँ से अगर शुरुआत होती है। एक खाली साहब ने कहा कि बाइक देने के पहले आप हेलमेट दीजिएगा, वो बच्चा खुद हेलमेट मांगेगा वालिद साहब से कि भाई मुझको पहले हेलमेट दीजिएगा फिर बाइक लेके दीजिए, क्योंकि अगर वो समझता है स्कूल में वो तालीम हासिल करता है तो उसको पता चलता है कि ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है, कितनी अहमियत रखती है। अब स्कूल के बच्चे आप देखें इतने रिस्क से स्कूल जाते हैं तो आप सोचें उनमें अवेयरनेस कैसे आएगी, आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि बचपन से हम रिस्क में जा रहे हैं, वो क्रॉस कर रहा है, वो उसको धक्का मार रहा है, वो उसको गाली गलौज कर रहा है और स्कूल पहुंच रहा है। वापसी में भी वही हालत है कि घर में पहुंचे तो भले बहुत अच्छा हो गया आज का दिन निकल गया। अब इस तरह के माहौल में आप, मैं ये समझता हूँ कि स्कूल वालों को ये चाहिए कि एक सब्जेक्ट रखें बच्चों के लिए ताकि बच्चों को तालीम दी जाए कि रोड क्रॉसिंग क्या है, सिग्नल्स क्या है, क्योंकि स्कूल में तालीम होती है। बच्चा सीखने शुरू करेगा तो वो घर वालों के लोगों को भी एजुकेट करेगा। बेसिकली आप देखिए किसी बच्ची को अगर होम साइंस सिखाया जाता है वो इसके लिए सिखाया जाता है कि वो जिस घर में जाए शादी कर वहाँ के लोगों को अगर पता नहीं है तो उनको एजुकेट करे। सो बेसिकली यू आर डेवलपिंग वन फीमेल एंड मेकिंग देम स्प्रेड इट टू 10 पीपल ऑफ द फैमिली। इस तरह से ये एजुकेशन अगर आप स्कूल्स में देना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस बहुत जल्द लोगों तक फैलेगी और आगे बढ़ेगी। रहमान साहब का ख्याल है कि घरों के अलावा स्कूल से और हमारा तालीमी निज़ाम है उसको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो रोड सेफ्टी के हवाले से बच्चों को सिखाए। सर मैं